परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे अरहम वंदे गुरुर्वरम वंदे सच्चम सभी साधक साधिकाओं को जय जी ने। आज मंगलवार का दिन, जैसा कि आप जानते हैं, मंगलवार को हमारी एक विशेष श्रृंखला चलती है, आओ जीना सीखें। इस श्रृंखला की आज 37वीं कड़ी लेकर हम हाजिर हो रहे हैं और आज इस कड़ी में हम जानेंगे प्राणायाम, प्राणायाम का इतिहास, प्राणायाम कैसे करें उसकी पूर्व तैयारी और इसका महत्व। प्राणायाम के ऊपर भी हमारे कुछ सेशन, 3-4 सेशन चलेंगे, तो आज इसका पहला सेशन लेकर हमारे साथ अलका जी साखला सुरत से जुड़ी हुई है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करता हूँ, आप आज का सेशन शुरू करें। अलका जी साखला, गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। चरणों में वंदना करती हूँ अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री जी महाश्रवण जी की चरणों में कोटि कोटि वंदना। इसके साथ में आज का विषय है प्राणायाम, है ना। हम सब जानते प्राणायाम। अब इस प्राणायाम में जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, और पहला ही श्लोक हम हठ योग में जानेंगे कि गुरु बिना प्राणायाम करना ही नहीं, ये लिखा हुआ है। तो जिस गुरु ने मुझे ये ज्ञान दिया उस महान गुरु को मैं याद करती हूँ, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी प्राणायाम की जानकारी देने वाली हूँ उन्हीं के अभ्यास के आधार पर, उन्होंने हमें जो सिखाया उसी के अभ्यास के आधार पर, उन्होंने जो किताब लिखी है उसी के आधार पर। तो मैं सबसे पहले हमारे जो योग के गुरु है, जो प्रधानमंत्री से पुरस्कृत है योग के लिए, 25 लाख का पहला पुरस्कार जिन्हें मिला, ऐसे योगाचार्य विश्वासराव मंडलिक को भी मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। और योग विद्या धाम के इस ज्ञान ने ही मुझे आगे बढ़ाया है प्राणायाम। तो चलिए, थोड़ी 2 मिनट नहीं आ रही थी किसी की भी प्रार्थना के लिए। ओंकार बिंदु संयुक्तम, ओंकार बिंदु संयुक्तम, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः, 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 ओंकाराय नमो नमः। सभी एक साथ ही बोलेंगे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः ओमर ओमर हम प्राण व्हाट इज आई एम राइट ए प्राण नियंत्रण नियंत्रण कंट्रोल यस कंट्रोल बराबर ये बीडीपी कौन है पता नहीं है मैसेज कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है श्वास पर नियंत्रण सही बात है एक श्वास पर नियंत्रण है बिल्कुल सही यस इसका मतलब प्राणायाम आप लोग जब पहले दिमाग में आपके ये आया कि प्राण यानी प्राणायाम अभी हम प्राणायाम से जुड़े प्राण प्राणायाम सब जानते हैं मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई व्यक्ति की जो प्राणायाम जानती नहीं है प्राणायाम सुना नहीं है और कितने ऐसे लोग है कि जो प्राणायाम करते हैं प्रश्न ये है क्या हम प्राणायाम सही अर्थ से जान रहे हैं सही अर्थ से कर रहे हैं आपसे सीखने के बाद थोड़ा थोड़ा नहीं वो बात ठीक है परंतु देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम मुझे पता है बहुत क्लासेस चालू है गली गली में आपको क्लासेस दिखेगी योगा के और लोग प्राणायाम भी सिखाते हैं पर सबसे परफेक्ट प्राणायाम सीखना इतना जरूरी है इतना जरूरी है देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हठ योग नाम का देखो प्राणायाम मैं हमेशा बोलती हूँ कि पतंजलि मेन कौन है पतंजलि ऋषि इतिहास में तो बहुत बड़ा इतिहास है इसका अगर हम इतिहास में झांक कर देखेंगे तो मैंने पहले पॉइंट दिया है आज के लेक्चर का वो है कि प्राणायाम का इतिहास क्या है राइट प्राणायाम का इतिहास क्या है क्या प्राणायाम पतंजलि ने शुरू किया है उसके पहले भी प्राणायाम था या नहीं था तो हमें थोड़ा सा इतिहास जानना है तो आपको क्या लगता है प्राणायाम कब से था कहाँ से आया किसने शुरू किया है बहुत पहले से था योग 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 के बारे में बताया गया अच्छा तो प्राणायाम किसने बताया कहाँ इतिहास में कहाँ मिलेगा प्राणायाम भगवान से चालू हुआ मेरे हिसाब से गीता में भी बताया भगवत गीता में भी प्राणायाम योग के बारे में बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्राणायाम बहुत बहुत पुरानी बात है बहुत अपने इतिहास में इसका हमें बहुत कुछ मिल जाएगा परंतु हमें बहुत डीप में नहीं जाना है क्योंकि ये सब अभ्यास हमें एमए के लिए है लेवल टू के लिए है या आयुष मंत्रालय के प्रोफेशनल एग्जाम देते तब है परंतु इतने डिटेल में नहीं जाएंगे तो इतना मैं आपको बताऊंगी कि ये प्राणायाम पहले जो था वो आज नहीं है पहला प्राणायाम का स्वरूप था वो बहुत अलग था जिसमें अभी शास्त्रीय अभ्यास किया गया वैज्ञानिक संशोधन कर दिया और हमारे पास जो प्राणायाम आया है वो बहुत अभ्यास करने के बाद आया हुआ है बहुत संस्कार हुए हैं उस पर ओरिजिनल जब हम पीछे 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 इतिहास में जाएंगे तो सूत्रकाल बहुत पुराना होता है वो सूत्रकाल होता है सूत्रकाल में कहीं कहीं प्राणायाम का उल्लेख है सूत्रकाल में बाद में गौतम सूत्र आते हैं उसमें भी प्राणायाम का उल्लेख है और आज का जो प्राणायाम है पहले पहले धार्मिक विधि में प्राणायाम यूज करते थे इतनी सांस लो फिर एक मंत्र बोलो इस तरह गायत्री मंत्र में इसका बहुत उपयोग किया गया है गायत्री उपासना प्रणव उपासना मतलब हम ओंकार भी करेंगे तब ये सांस का प्रयोग किया जाता है ये सब प्राणायाम के प्रयोग है और उसके बाद मनुस्मृति वगैरह अनेक ग्रंथों में इसका उल्लेख आता है उसके बाद पुराण आते हैं पुराणों में भी प्राणायाम का उल्लेख मिलता है परंतु पुराणों में हमको देखेंगे कि मात्रा पहली बार आई है मात्रा मात्रा यानी कितनी देर हमें श्वास रखना है कितनी देर हमें श्वास छोड़ना है ये जानना है तो हमें मात्रा अब मात्रा क्या होती है मात्रा मतलब कितनी देर रखना है हम घड़ी में देख के मैं बोलती हूँ ना 5 सेकंड सांस लेना 10 सेकंड सांस छोड़ना इसको मात्राएं बोलते हैं तो पहले कुछ मात्राएं मंत्र में बोली जाती है मैं आपको बताती हूँ कि एक नौकार मंत्र में श्वास लेना है 2 नौकार मंत्र में श्वास छोड़ना है तो ये सब मंत्रों के साथ भी ये सब शुरू हो गया है कहीं सुरों का भी
उपयोग करते हैं, इस प्रकार अलग अलग परंपरा में ये सब दिया है। उसके बाद में आ गए पतंजलि ऋषि। पतंजलि ऋषि ने मतलब पूरा प्राण, पतंजलि का जितना भी योग का अभ्यास है वो कैसा अभ्यास है आपको पता, जानते हैं कि इसको योग किनका, हमारे पतंजलि का जो योग दर्शन है, पतंजलि का जो योग दर्शन है वो पूरा सूत्र में है, एक एक सूत्र लिखे है। और विशेष बात यह कि कम से कम शब्द में, अल्प शब्द में बहुत बड़ी बात कह जाती थी, तो उनके एक शब्द पर एक एक ग्रंथ तैयार होते हैं, उनके एक एक श्लोक पर रिसर्च होता है, इतना गहन बात उन्होंने अपने सूत्र में कही। तो उनका देखो कितना कम शब्द में बोलने वाले पतंजलि थे, आसन के केवल तीन ही सूत्र बताए उन्होंने, केवल तीन सूत्र बताए, वो मैंने आसन के टाइम आपको बताए थे, उसमें मैं नहीं जाऊंगी, फिर भी स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य आनंद समाव, ये दूसरे श्लोक। और अब हम देखेंगे प्राणायाम। तो प्राणायाम के पतंजलि ने केवल कितने सूत्र दिए, पांच सूत्र दिए, ध्यान रखना कितने सूत्र दिए, केवल पांच सूत्र, और ये पांच सूत्र, और ये सैद्धांतिक है, केवल इंफॉर्मेटिव है, सिद्धांत दिया है, प्रयोग उन्होंने कहीं भी बताया हुआ नहीं है। तो उनका सेकंड स्वाध्याय में 49 श्लोक से शुरुआत होती है, 49, 50, 51, 52 और 53, बस तो 49 से 53 ऐसे पांच सूत्रों में दिया है। तो पहला जो सूत्र है उसमें उन्होंने प्राणायाम की व्याख्या बताई, अर्थ बताया, अर्थ क्या है। दूसरे सूत्र में उन्होंने तीन प्रकार बताए प्राणायाम के, और तृतीय सूत्र में उन्होंने चौथा प्रकार भी बताया है प्राणायाम का, और पांचवें सूत्र में बस प्राणायाम का क्या फायदा है वो भी बताया। इस प्रकार इतना शॉर्ट रूप में उन्होंने बताया, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हमें पता नहीं चलता कि प्राणायाम क्या कैसा करना है, विधि नहीं। उसके बाद आ गया हठ योग। हठ योग आ गया, वो 12वें शतक में हठ योग आ गया है, और ये हठ योग में आसन प्राणायाम इनका इतना विस्तृत वर्णन दिया है, उसका नाम कैसे करना है, उसकी विधि, उसके फायदे, इस प्रकार हठ योग ये सब बातें बताता है। इस प्रकार अगर हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है तो पतंजलि का अभ्यास करके हमारा अभ्यास पूरा नहीं हो सकता, इसके लिए हमें हठ योग का अभ्यास करना भी अत्यावश्यक है। और उसके साथ तीसरा ग्रंथ है घेरंड संहिता। जब तक हम पतंजलि, हठ योग और घेरण संहिता ये तीनों का एक साथ अभ्यास नहीं करते, प्राणायाम का क्या, योगासन का क्या, योग का ही अभ्यास पूरा नहीं होगा। क्योंकि पतंजलि बहुत सुंदर सूत्र बताते, परंतु सूत्र को समझना हमारे जैसे के लिए पॉसिबल नहीं, उसको समझने के लिए इसीलिए कहते हठ योग एक सीढ़ी है, स्टेप बाय स्टेप पतंजलि तक पहुंचने का ये रास्ता है, इसीलिए हमें, इसीलिए देखिए पतंजलि ने कितने सूत्र बताए प्राणायाम के, पांच सूत्र बताए, परंतु हठ योग में 78 यानी 78 श्लोक बताए हैं प्राणायाम के, कितने श्लोक, 78 श्लोक बताए, और घेरण संहिता में 91 श्लोक बताए हुए, वो केवल प्राणायाम पे है। आप सोचिए कितना डीप स्टडी होगा, हम तो इतना डीप करेंगे नहीं, इतना डीप हमें जाना भी नहीं है, परंतु थोड़ा सा जानना जरूरी है, थोड़ी सी प्राणायाम की पूर्व तैयारी समझना जरूरी है। जैसे हम पिछले टाइम ने योगी क्रिया ऐसी किताब बताया था कि डायरेक्ट उठे और आसन करेंगे तो क्या अच्छी है क्या शरीर के लिए, डायरेक्ट उठ के चलो आसन करते, उठ गए चलो करते आसन, तो क्या होगा उससे, बताइए आप मुझे क्या होगा उससे। मैंने बताया हुआ है, उदाहरण के साथ बताया हुआ है, डायरेक्ट आसन शुरू किया हमने, कुछ भी नहीं किया, योगिक क्रियाएं नहीं की, डायरेक्ट स्टार्ट किया, डायरेक्ट गाड़ी का इसका उदाहरण, तो डायरेक्ट क्या उदाहरण देता, गाड़ी का, ये थर्ड गियर में गाड़ी ताकेंगे तो शरीर पर बहुत, वैसे ही सेम प्रकार है कि प्राणायाम की पूर्व तैयारी करने पूरे बहुत सारी बातें जानना जरूरी है। और पतंजलि ने तो एक ही शब्द बोला है पूर्व तैयारी में, एक ही शब्द, तस्मिन सति, बस तस्मिन सति, बस एक ही शब्द बताइए, पूर्व तैयारी सब इसमें आ गई। तस्मिन सति मतलब क्या, इतने हम डीप में जाएंगे तो हमको पता भी चलेगा कि पतंजलि को क्या कहा कहना है कि इस तीतों ने उन्होंने जो पतंजलि ने सूत्र दिया है प्राणायाम की, जो अर्थ बताए, व्याख्या बताए, तस्मिन सति
श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम। तो पतंजलि ने तस्मिन सति बताया, तस्मिन सति मतलब क्या, तो उस स्थिति में, कौन सी स्थिति, कि हम आसन करने के बाद जो हमारा शरीर स्थिर होता है, सुदृढ़ होता है, शिथिल होता है, इस प्रकार की आसन की दीर्घ काल अभ्यास करने के बाद हमारा श्वास मंद हो जाता है, इस तरह की हमारी स्थिति आ जाएंगी, तस्मिन सति, इस स्थिति में हम आएंगे, उसके बाद आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो पतंजलि के सारे सूत्रों में पहला भाग बताए और दूसरों को जोड़ा है। तो आसन बताए, यम नियम आसन, आसन होने के बाद बताया कि फिर तस्मिन सति श्वास प्रश्वास, तो आसन में आप दृढ़ हो गए, तो इस प्रकार हमने पतंजलि ने बताया है। और बता देखिए, पतंजलि ने कहीं भी पूरक और रेचक ये शब्द यूज नहीं किए हैं, यही जानना है लोगों को, इतिहास पता नहीं, जिन्होंने हठ योग का अभ्यास नहीं किया, अब उसको पूछा कि ये पूरक और रेचक कहाँ आता है, तो वो क्या बताएगा, मुझे बताओ ना, मतलब सही ज्ञान नहीं होगा तो परफेक्ट ज्ञान नहीं होगा, तो यही होगा कि वो परफेक्ट पता ही नहीं पाएगा कि पूरक और रेचक ये शब्द हठ योग में आए हुए है। हठ योग ने यह शब्द का पहले उपयोग किया है और श्वास प्रश्वास ये शब्द पतंजलि ने यूज किए। श्वास प्रश्वास इस गति का विच्छेद करना, विच्छेद करना, इसके लिए प्राणायाम बोला है, यानी हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, वो प्रश्वास। अब ये श्वास लेना और ये प्रश्वास छोड़ना, इनकी जो गति है, इस गति को रोकना, गति का विच्छेद करना, ये सब सब प्राणायाम है। परंतु हठ योग में उसको बताया है, क्या बताया है हठ योग में, दो शब्द, पूरक और रेचक, करेक्ट, जो आजकल का शब्द हम यूज करते पूरक और रेचक, ये सब हमें हठ योग में बताए गए हैं। तो मैं अभी डीपे में नहीं जाते हुए इतना ही बताऊंगी कि पतंजलि ने 5 सूत्र बताए और हठ योग ने हमें 78 श्लोक बताए। पर सबसे पहले पतंजलि का पहला श्लोक समझना बहुत आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने आज गुरु को प्रणाम किया, मेरे धर्म गुरु को भी प्रणाम किया और योग गुरु को भी प्रणाम किया, विश्वासराव मंडलिक को इसलिए याद किया कि मैं जो कुछ आज बात कर रही हूँ, सीखा है मैंने, वो मैंने योग विद्या धाम के प्रवेश परिचय प्रवीण पंडित इतनी क्लास की 30 साल पहले 25-30 साल पहले तब सीखा हुआ है, और अभी अभी कुछ 1-1.5 साल पहले मैंने योग विद्या धाम से प्रोफेशनल आयुष मंत्रालय की लेवल 2 की क्लास थी, तब ये सब बातें इतनी क्लियर हो गई कि हठ योग में पहला जो श्लोक कहा है, बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे लगता है ये जानना जरूरी है कि इसमें पहला वाक्य ये बताए कि, मैं अभी श्लोक में डिटेल नहीं जाती हूँ क्योंकि श्लोक में जाऊंगी तो आपका इतने समझ में भी नहीं आया, सीधा श्लोक का अर्थ बताती हूँ कि पहले श्लोक में ये कहा है, फिर भी एक बार श्लोक में ऐसे स्पीडी बता देती हूँ। अथासने दृढ़े योगी वशी हित मिताशनाहा गुरु पर निर्देष्ट मार्गेन प्राणायामान सम अभ्यासते। इसका मतलब आसन में दृढ़ होने के बाद, सबसे पहला वाक्य आसन में दृढ़ होने के बाद, दूसरा अपने इंद्रिय वश करने के बाद, तीसरा और हितकर और मितकर आहार करने के बाद, अब ये 3 बातें करनी है पहले हमें, पहले तो क्या करना है, आसन करनी है शरीर को, दूसरा हमें इंद्रियों पर नियंत्रण करना, क्योंकि वो भटकेंगे तो हमारा ध्यान नहीं होगा, प्राणायाम नहीं होगा, तो इसीलिए, और तीसरा आहार अच्छा नहीं होगा, गलत आहार किया, गरिष्ठ आहार किया तो प्राणायाम होगा ही नहीं, इसीलिए हमें 3 घंटे प्राणायाम करना है, 1 घंटा प्राणायाम करना है, ऋषि मुनि 3-3 घंटे 8-8 घंटे बैठते थे। तो जब तक आसन में स्थिर नहीं बैठेंगे, स्थिर सुखम आसन नहीं होगा, तो प्राणायाम कैसे करेंगे। इसीलिए पतंजलि ने क्या किया है मालूम है, यम नियम आसन प्राणायाम, और प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अभी ध्यान कब बताया, कि जब आसन आएंगे,
प्राणायाम अच्छा होगा, प्रत्याहार होगा यानी इंद्रियों पर कंट्रोल होगा, और उसके बाद में हमारा ध्यान का दरवाजा खुलेगा। मतलब इसीलिए मुझे पतंजलि सूत्र और पतंजलि का अभ्यास अच्छा लगता है कि जब तक हम शरीर से स्वस्थ नहीं होंगे, स्थिर नहीं बैठना सीखेंगे, तब तक हम प्राणायाम वगैरह कुछ नहीं कर सकते। और उसके लिए ये तीन बातें बताने के बाद लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बताई वो सबसे इम्पोर्टेंट है, आसन में दृढ़ होना, इंद्रियों को वश करना, हित और मित आहार करना, और ये सब होने के बाद गुरु के निर्देशन में ही आपको प्राणायाम करना है। गुरु के निर्देशन में, गुरु के निर्देशन में हम कैसे प्राणायाम करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गुरु के निर्देशन में प्राणायाम कैसे करना है हमें। मैं एक मिनट के लिए मैं डिस्टर्ब करती हूँ, आप एक मिनट आंखें बंद करके बैठ। सॉरी, कुछ बेल बज गई थी, कुछ इंस्टेंट प्रॉब्लम थी, सो आई एम सो सॉरी। आप सब पहली बातें फिर एक बार रिपीट किए, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या बताइए, बताओ। आसन में दृढ़ रहना, इंद्रियों पे काबू करना, गुरु के निर्देशन, गुरु का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? गुरु के निर्देशन में आसन करना। हाँ, अब वो क्यों, कैसे, मैं बताती हूँ क्यों। कि उन्होंने अपने श्लोक में आगे ये भी बताया, ये बहुत ध्यान से सुनो, प्राणायाम आदि युक्तेन, प्राणायाम आदि युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत, सर्व रोग क्षयो भवेत अयुक्ताभ्यासेन, अयुक्ताभ्यासेन सर्व रोग समुद्भाव, यानी योग्य पद्धति ने प्राणायाम का अभ्यास करने से सारे रोग दूर चले जाते हैं, दूर हो जाते। परंतु अयुक्ताभ्यास करेंगे, गुरु के निर्देशन में नहीं करेंगे कि हाँ टीवी पे देख लिया, पुस्तक में पढ़ लिया और अभ्यास कर लिया, तो वो अभ्यास क्या होगा? सही नहीं होगा। तो ऐसा अभ्यास करने से क्या होगा? हमारे सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो समझ में आ गए, तीन चार बातें हमारी क्लियर हो गई सारी? ठीक है। अभी हमें पूर्व तैयारी के बारे में जानना है, तो बहुत शॉर्ट में मैं कहूंगी कि अभी हठ योग ने जो बताया कि आहार नियंत्रित चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट आहार होना चाहिए, वो हितकर मितकर होना चाहिए, और इसके बाद में हमें गुरु के निर्देशन में प्राणायाम करना चाहिए। और फिर उसके बाद में एक शब्द आया है उसमें सम अभ्यास थे, सम मतलब सम यानी सर्व नियम का पालन करना है, सभी नियम का पालन करने के बाद आसन करना, प्राणायाम करना है। ठीक है, मैंने ये थोड़ा सा आपको पूर्व तैयारी बताई कितनी जरूरी है, गुरु का इम्पोर्टेंट कितना है वो बताया, और अब आइए हम जानते हैं। थोड़ा सा जानने से पहले एक बार हम श्वास का अभ्यास करेंगे, तो केवल श्वास के लिए तैयार, केवल बैठेंगे, केवल श्वास को देखेंगे, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। चलिए, सभी जिस आसन में स्थिरता पूर्वक बैठ सकते हैं, और वो कैसे बैठना है, भगवत गीता में कहा है सम काय शिरो ग्रीव, यानी मेरुदंड सीधा और एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, मेरुदंड सीधा, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। बस पहला स्टेप प्राणायाम का है, श्वास को देखना है, केवल श्वास को देखें, केवल श्वास को देखें, मन शांत, श्वास मन, गहरी एकाग्रता,
पूरी जागरूकता के साथ पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित करें। केवल श्वास को देखें, कुछ भी ना करें, जैसे आती है वैसे आने दो। नियंत्रित नहीं करना है, श्वास को लंबा नहीं करना है, जो चल रही है श्वास बस को उसको ही देखना है। केवल श्वास को देखें। विपश्यना में गौतम बुद्ध ने, विपश्यना में भी और गौतम बुद्ध का भी यही तत्व है, केवल श्वास को देखना है। केवल श्वास को देखे, कुछ भी ना करे। बुद्ध वैज्ञानिक है, विज्ञान का तत्व को उन्होंने पकड़ा हुआ है, इसीलिए वो कहते हैं केवल श्वास को देखे, सहज श्वास जो चल रही है उसको देखे। हर अनुभव करे, श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। श्वास के अंदर जाने और बाहर जाने के साथ मन को चित्त को जोड़े। श्वास अंदर, उसके साथ साथ चित्त अंदर। श्वास बाहर चित्त बाहर, इस प्रकार केवल श्वास पर मन शांत। सारे विकल्प खत्म करे, कोई विचार मन में आते तो उसकी ओर ध्यान न दे, केवल मैं और मेरी श्वास। जो आ रही है जा रही है, बस ये देखना है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। धीरे से आंखें खोलने हैं, परंतु उसके पहले हाथ घसते हुए तलवों को आंखों पे रखे, अंदर ही खोले बंद करे और धीरे से हाथ खोले। किसी के यहाँ बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, उसको बंद कर सके तो। Yes. आनंद भाई जी, एक तो अनम्यूट कर दीजिए, आवाज बहुत आ रही है किसी की, घुंगरू जैसे आवाज बैकग्राउंड में आ रही है, प्लीज आवाज बंद करें। यस, थैंक यू। नहीं, आवाज वापस शुरू हो गई है, जिसकी भी है प्लीज म्यूट कर दीजिए। यस, चलिए आगे का पॉइंट ले ले हम लोग। अब ये बताइए कि हमें प्राणायाम का अभ्यास बहुत 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 शास्त्रीय पद्धति से करना चाहिए, गुरु के निर्देशन में करना चाहिए, वो क्यों करना चाहिए? ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? रोग निर्माण होगे, वो पता चला है ना, पर कैसे होगे पता है क्या? उसका बात बताती हूँ। देखो, ये प्राणायाम जब हम करते हैं ना, प्राणायाम शुरू करते हैं हम, तो शरीर विज्ञान के दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो ये प्राणायाम का संबंध मज्जा तंतु से होता है। मज्जा तंत्र होता है ना, हमारा पूरा मज्जा तंत्र होता है कि नहीं? एक मज्जा तंत्र काम करता है, और ये
उसका संबंध अपने मन मन पर भी होता है। तो प्राणायाम का संबंध मज्जा तंत्र और अपने मानसिक स्तर पर भी होता है। अब मज्जा तंत्र में कौन कौन से अवयव होते पता है आपको? मज्जा तंत्र में कौन बताएगा कौन कौन से अवयव होते? बहुत नाजुक होते वो, हाँ बहुत नाजुक होते, बहुत कोमल होते। कौन से अवयव है वो, चलिए कौन बता सकता है? ठराविक लोग छोड़ते तो कोई वीडियो भी ऑन नहीं करते, दो चार लोग हमारे परमानेंट मेंबर जैसे बने वो छोड़े। श्यामा ने भी आज पहले से ज्वाइन करके वीडियो भी ऑन किया है, परंतु बाकी लोग आज नहीं कर रहे। ठीक है, आप बताइए कि मज्जा तंत्र में कौन कौन से अवयव होते हैं, कुछ बता सकते हो? स्मरण शक्ति का सोचना एक छोटा सा जो नाम अवयव, हाँ बस ठीक है बराबर है। और बताइए, ठीक है मतलब बराबर है, थोड़ा सा ऑन द वे है आप, राइट। चलिए अभी टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं कहती कि बड़ा मस्तिष्क होता है, बड़ा मस्तिष्क, एक छोटा मस्तिष्क होता है, लंबा मज्जा होती है, मज्जा सेतु होता है पूरा मज्जा सेतु, और मज्जा रज्जु होता है, ये सब अवयव होते हैं। हम जब प्राणायाम करते हैं तो छोटा मस्तिष्क, बड़ा मस्तिष्क, लंबा मज्जा, मज्जा सेतु, मज्जा रज्जु, इन सब पर परिणाम होता है। और इसीलिए अगर हमने गलत किया तो क्या होगा, उस पर परिणाम होगा और फिर हानिकारक हो जाएगा। इसीलिए प्राणायाम बहुत उपयोगी है, सारे बीमारियों का इलाज है, और केवल बीमारियों के लिए नहीं तो हमें आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए, बिंदु को सिंधु में मिलने के लिए, पिंडी से ब्रह्मांड तक जाने के लिए, सब हमें प्राणायाम से हो सकता है। जिस प्रकार सिंह हाथी ऐसे बलशाली प्राणियों को वश किया जाता है, वैसे हमारे मन को वायु के द्वारा हम वश कर सकते हैं, और जो चाहे शक्ति हम ला सकते, पूरी शक्ति हमारे यहाँ कुछ भी आ सकती है। तो ये सब कब आ सकती है? प्राणायाम से आ सकती है। इसीलिए हमें प्राणायाम धीरे धीरे करना है, सीखना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। अभी जैसे हमने देखा विपश्यना क्या है, विपश्यना में जाते हो तो कभी देखिए कुछ भी नहीं करते वो लोग। विपश्यना 10 दिन की क्लास होती है, बहुत सुंदर क्लास होती है। 10 दिन टोटल मौन होती है, 100% मौन, एक शब्द भी नहीं बोलना है। और वहां क्या करते, बस बैठो, आंखें बंद करो और श्वास देखो। उसमें श्वास यही बात है, श्वास अंदर गई वो अना, और श्वास बाहर आ गई वो पान। तो इसको विपश्यना में बोलते हैं आनापान सतियो, भीतर जाती हुई श्वास को और अंदर आते हुए श्वास को देखने की सरल विधि जो विपश्यना में बताइए। तो प्राणायाम यही है, बस उसके आगे आगे हम चलते हैं और आगे आगे हम क्या करते हैं, उस पर नियंत्रण लाते हैं, बराबर है। ये हमारा श्वास धीरे 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 फेफड़ों में आता है, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फेफड़े पूरे भरने चाहिए। तो इसका संबंध किसके साथ है? प्राणायाम के तो इतने फायदे है, एक मिनट में आपको कुछ बता देती हूँ अगर मुझे वीडियो मिल गया तो। देखिए प्राणायाम एक पूर्ण वैज्ञानिक विद्या है। नाक द्वारा अंदर ली गई श्वास, नासिका से बाहर जाने वाली, देखो अंदर लेते उसको श्वास कहते और बाहर छोड़ते उसको प्रश्वास कहते हैं। ये श्वास जीवन दाता प्राण, ये प्राण है, ये बाह्य प्राण स्थूल रूप है। ये स्थूल श्वास अंदर आने के बाद सूक्ष्म रूप में प्राण हो जाती है। अभी आप जो बोलते हैं ना प्राण, पांच प्राण वगैरह, पहले प्राण, पहले क्या प्राणायाम होगा, यानी श्वास लेना होगा, श्वास छोड़ना होगा, वो स्थूल है। वो अंदर जाने के बाद सूक्ष्म होता है, उसको क्या कहेंगे, प्राण। तो स्थूल श्वास के ऊपर नियंत्रण करना, उसको नियंत्रण करने से क्या होगा, सूक्ष्म प्राण के ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है, और वही हमारा प्राणायाम है। और यही प्राणायाम को हम करने से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। देखो प्राण के ऊपर नियंत्रण होने से क्या होता है, मन के ऊपर नियंत्रण होता है। प्राण के सहायता बिना हम काम ही नहीं कर सकते, हमारा शरीर हलन चलन नहीं कर सकता, हम बोल नहीं सकते, तो ये प्राण की सहायता के बिना कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए ये प्राण की गति मन की गति में चंचलता जो उत्पन्न होती है, ये सूक्ष्म प्राण जिसका मन से घनिष्ठ संबंध है,
इसीलिए स्वश्वास शरीर के लिए उतना महत्वपूर्ण है जैसे इंजन का पहिया होता है ना, वो उसके बिना इंजन नहीं होगा तो बाकी के पहिए कैसे चलेंगे। उसी प्रकार योगी के श्वास रोकते श्वास को सब अंग काम करना बंद कर देंगे। अपान वायु में प्राणवायु तथा प्राणवायु में अपान वायु का प्रवेश करेंगे, फिर अपान वायु को गति से रोकेंगे। इस प्रकार ये प्राणायाम अलग अलग प्रकार से नियंत्रण करना प्राणायाम है। तो इस प्रकार हमारा प्राणायाम बहुत 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 महत्वपूर्ण है। और इस देखो पुराण काल में भी हमें कहा गया है, रहस्य बताए। पुराणों की बात अगर हम करेंगे तो स्पष्ट उल्लेख है कि जिन्होंने प्राणायाम का रहस्य जाना उसने धरती पर न केवल स्वस्थ और दीर्घ जीवन व्यतीत किया बल्कि प्रचंड योगिक शक्ति भी प्राप्त होती है। बराबर, अगर हम भारतीय संस्कृति और इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे तो प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने तपस्वियों ने छोटे बड़े जीवों के श्वास लेने को तरीका दिखाया है। विशिष्ट पद्धति से श्वास लेना जीने की कला में पारंगत किया है। पूरे हमारे ऋषि मुनियों ने अभ्यास किया है और श्वास कलात्मक कैसे लेना है। हमारे प्राचीन गुरुओं ने जाना है कि श्वास लेने की सही गति जानने से आदमी का जीवन काफी लंबा हो सकता है। जबकि हम अगर दोष पूर्ण तरीके से श्वास लेते हैं तो हमारी आयु अल्प होती है। इस प्रकार ऋषियों ने इस विषय पर लंबा शोध किया है और कौन से सारे प्राणियों पे कछुआ कितना श्वास लेता है वो कैसा दीर्घायुष्य, तो हमारे श्वास का लंबा श्वास मतलब दीर्घ श्वास इसका परिणाम हमारे दीर्घ लाइफ आयुष्य से है। तो जिसको प्राणायाम आएगा वो क्या होगा, आयुष्य उसका दीर्घ होगा, राइट। मुझे लगता है इतनी बातें बहुत हो गई, नेक्स्ट टाइम और हम प्राणायाम का महत्व जानेंगे। अब कुछ प्रयोग करेंगे, प्राणायाम का प्रयोग बहुत जरूरी है। तो हमें प्राण भी लेना है उसके साथ श्वास भी लेना है, बाहर से बोलना है कि आ जाओ, प्राण को भी लेना है। तो हमें पहले केवल श्वास को देखना, फिर धीरे धीरे श्वास को नियंत्रित करना यानी चार अंकों में लेना और आठ अंकों में छोड़ना। आज हम कुंभक नहीं करेंगे, कुंभक की बात नेक्स्ट टाइम करेंगे। केवल श्वास लेना है और छोड़ना है। और उसके बाद पतंजलि ने बताया अंदर श्वास रोको, श्वास छोड़ने के बाद बाहर श्वास रोको। तो ये चारों विधियों के साथ हम प्रयोग करेंगे। तो तैयार जिस स्थिति में आप, तो इसीलिए ध्यान रखना चार बातें प्राणायाम के पूर्व तैयारी में। सबसे पहले आसन अच्छा होना चाहिए, बराबर। तो जिस आसन में स्थिरता पूर्वक सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं वैसे आसन कर लीजिए। सेकंड, अपनों को दीर्घ श्वास करना है तो आप कितना लंबा श्वास ले सकते हैं और धीरे धीरे छोड़ सकते हैं उसको आपको सीखना है। और नेक्स्ट इसमें अपन त्रिबंध को भी सीखना है, वो धीरे धीरे आएगा। त्रिबंध हुए बिना प्राणायाम नहीं होता है, प्राणायाम तब होगा जब त्रिबंध होंगे। तो हमें प्राणायाम सीखने के पहले त्रिबंध का अलग अलग अभ्यास करना है। कुंभक सहज आता है, आंखें कोमलता से बंद पूरा शरीर बताता वैसे बैठ आंखें पूरी तरह कोमलता से बंद है, बहुत केंद्रित करते हैं चलते हैं, परंतु अगर अपन को डिस्टर्ब होता है तो केवल आंखें कोमलता से बंद।
और नॉर्मल श्वास जैसे आ रही वैसे आनापान साथी जैसे विपश्यना में बताते वैसे नॉर्मल श्वास जो आ रही है उस श्वास को देखे, जा रही है उस श्वास को देखे, बस केवल श्वास को देखे। नॉर्मल श्वसन है, कोई श्वास पर नियंत्रण नहीं है, अपन नॉर्मल श्वास ले रहे वही श्वास है, केवल श्वास को देखे। नाक के द्वार पर द्वारपाल बन के खड़े हो जाए, एक भी श्वास आपको पूछे बिना अंदर न जाए, एक भी श्वास आपको पूछे बिना बाहर न जाए। आते जाते प्रत्येक श्वास को देखे, गहरी जागरूकता पूरी एकाग्रता, जो हम श्वास ले रहे हैं उसे पूरक कहते हैं, जो श्वास छोड़ रहे हैं उसको रेचक कहते हैं। हम केवल पूरक और रेचक की प्रक्रिया कर रहे हैं। श्वास मंद है, मन शांत रखे, केवल श्वास की ओर ध्यान एकाग्र करे, श्वास पर कोई नियंत्रण ना करे, जैसा श्वसन चल रहा है उसको चलने दे, बस शिथिल श्वास को भी शिथिल करे, मंद शिथिल यानी धीरे धीरे मंद हो जाएगा। जैसे जैसे श्वास मंद होगा मन शांत होगा। अभी अगले मंगलवार तक आपको यही प्रयोग अधिक से अधिक करना है। इस प्रयोग में जब आप एकदम कंफर्टेबल हो जाओगे यानी आराम से 15 मिनट तक आप श्वास को देख सकेंगे, बस आ रहा है जा रहा है श्वास के साथ मन को जोड़े, चित्त को जोड़ के अंदर जाने की कोशिश करे, श्वास कहाँ जा रहा है, पूरा श्वास के सिवा कोई विचार ना करे, इस तरह स्थिति मैंने आपको पहले एक बार बताया है। आप सो के भी ये स्थिति कर सकते हैं। तड़ागासन दोनों पैर आगे लेना है और पूरा ध्यान पेट पे देके होते श्वास लेना है और छोड़ना है। अब ये स्थिति आपके अगर समझ लो 2-3 दिन में सज जाएगी, अब 5 मिनट के लिए अगर स्थिर इस तरह श्वास का अभ्यास करने लगे तो आगे का अभ्यास करने के लिए तैयार होना है। पूर्णतया ये नियंत्रित हमारा पूरक रेचक श्वास करना है, मन एकाग्र हो गया है, आगे बढ़ना है। अब हमें क्या करना है, धीरे 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 दीर्घ श्वास करना है। पूरक जो करना है वो जरा थोड़ा सा दीर्घ करने की कोशिश करें, लंबी श्वास भरे, 1, 2, 3, 4, 5 10 अंक में श्वास छोड़ने की कोशिश करें, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अगर
दस में नहीं छूटती है तो अपना काउंट करना है कि अगर पांच ली में श्वास ली, पांच में छूटती है तो पांच में छोड़े, श्वास पांच अंक में लिया और छह में छूटती है तो छह में छोड़े, जिसका जितना अभ्यास हो कोशिश करनी है डबल छोड़नी है, परंतु अगर डबल नहीं होती है तो जितनी होती है उतना ही करना है। इसमें श्वसन की गति सम, यानी पहली बार हम जैसे बोलते हैं लयबद्ध और समताल श्वास हो, जैसे पहले समय में जितना टाइम लगेगा दूसरी बार उतना ही लगना चाहिए। पहली बार श्वास लेने और छोड़ने में जितना समय लगे, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, हर समय उतना ही समय तो सम अवस्था होनी चाहिए। यह अभ्यास आपको 8 दिन के लिए मैं दे रही हूँ। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मुझे सबको बताना है कि कितने लोगों ने केवल श्वास को आते जाते 5 मिनट देखा और फिर उसके बाद 5 मिनट केवल 5 अंक में लेना है, 5 अंक में छोड़ना है, समगति में करना है, और थर्ड 5 में लेना है और 10 में छोड़ना है। तो 3 अभ्यास मैंने दिए है, एक तो नॉर्मल श्वास जैसे चलती है वैसे चलाने देना है, केवल श्वास को देखना है गहरी एकाग्रता के साथ। सेकंड में 5 अंक में श्वास लेते तो 5 में ही छोड़ना है, ये भी अभ्यास 1-2 दिन करना है, जब ये सच जाएगा तब कोशिश करना है 5 में लेना है और 10। अब इसके लिए मैं एक नया मतलब एक सूचना देने के बाद अभ्यास के लिए नेक्स्ट टाइम नया प्रयोग बताऊंगी, अभी केवल इतना ही करके आप आइए। सावधान, प्रयोग संपन्न करना है, दोनों हाथ को घसना है, घसते जाइए, तलवे गरम 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 करना, हाथ महसूस करे केवल तलवों को घसना है और ये तलवे संपुट करके आंख में रखने हैं। थोड़ा सा हाथ मोड़ते खुला बोलना, खोलना बंद करना, टिमटिमाना, आंखें खोले बंद करे, खोले बंद करे, और दो सेकंड के लिए, 5 सेकंड, 10 सेकंड के लिए उसको बंद करके रखे, दोनों भी पहले बंद करके रखना, धीरे धीरे धरती का दर्शन करते हुए हाथ ऊपर, चलिए आप कुछ प्रश्न हो तो बढ़ते जाएंगे। आज हमने दीर्घ श्वास का अभ्यास किया, 3 प्रकार का अभ्यास करके आना है, कौन सा बताइए, 3 प्रकार बताए मैंने, श्वास पे नियंत्रण, नहीं पहला पहले सांस को देखना, सांस को देखना है, दूसरा बताइए कोई, सेकंड कोई बताइए, सांस 5 सेकंड्स में लेना और दीर्घ छोड़ना, पहले सम और फिर दीर्घ, 5 अंक में लेना, 5 में छोड़ना, फिर 5 अंक में लेना, 10 अंक में, कितने अंक तक आपका आता है उतना करना। 3 प्रकार, नॉर्मल श्वास उसको देखना, समश्वास उसको देखना, और दीर्घ श्वास और छोड़ने में, ठीक है। चलिए आई थिंक बहुत हो गया, कोई बात करनी है किसी को पूछना नहीं हो तो हम समापन की ओर चलते हैं। दोनों प्रश्न के आप चिंतन करके आ जाइए, आप बोले थे अभी कुछ बोलेंगे 78 श्लोक 91 श्लोक के बारे में थोड़ा सा, आज नहीं नेक्स्ट क्लास में, अभी तो वो होगा नहीं, टाइम हो गया, आप भी वही मैंने बोला टाइम हो गया, आप चिंतन करके आ जाइए, आप ही बताइए नेक्स्ट टाइम। चलिए आनंद भाई जी प्रार्थना की ओर। चलिए, बहुत सुंदर तरीके से आपने प्राणायाम क्यों जरूरी है, प्राणायाम का इतिहास हमने जाना, ग्रंथों में प्राणायाम के बारे में अलग अलग ग्रंथों में क्या बातें बताई गई है हमने उसके बारे में भी चर्चा की, और पूर्व तैयारी के बारे में भी बताया, प्रयोग भी कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। अब हम समापन की ओर चलेंगे, दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठते हुए आंखें कोमलता से बंद रखें, मेरे साथ साथ सभी बोले, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ,
मैं आनंद शक्ति का सागर लहरा रहा इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो शांतिमय हो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।